नमस्कार दोस्तों, ओमिक्रॉन वायरस के बढ़ जाने के वजह से बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में पोस्टपोन्ड हो चुकी है और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 7 बिग एक्शन मूवीज पोस्टपोन्ड ड्यू टू ओमिक्रॉन वायरस। तो कौन सी हो फिल्में, जानने के लिए आखिर तक देखिएगा इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं लाइक का बटन दबा करके। दोस्तों, इस लिस्ट के टॉप 1 पर है भाई सबसे बड़ी फिल्म जिसकी प्रमोशन जोर शोरों से चल रही थी एंड इस मूवी की प्री बुकिंग तक स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द मोमेंट इस मूवी को पोस्टपोन किया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ RRR मूवी के बारे में। ये फिल्म 7 जनवरी को हमारे नजदीकी सिनेमा घर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब फिलहाल ये फिल्म पोस्टपोन हो चुकी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जिन्होंने भी बहुत पहले इस मूवी की प्री बुकिंग करवा ली थी उन्हें एक नया रिलीज डेट दिया जाएगा। एंड जहां तक बात करें इसके नए रिलीज डेट की, तो वो तो अभी कहा नहीं जा सकता है, ऑफिशियली अनाउंस कुछ भी नहीं हुआ है। दोस्तों, इस लिस्ट की टॉप भी है एक और बड़ी दमदार प्रभास की राधे श्याम। पूजा हेगड़े के साथ उनकी पहली ये फिल्म है जो कि जनवरी 14 तारीख को रिलीज होने वाली थी, लेकिन ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए फैसला किया कि सभी के सभी थिएटर्स को फिलहाल के लिए बंद किया जाता है। एंड जो 2021 के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिला था, कुछ उसी टाइप का हालात हमें 2022 के स्टार्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, राधे श्याम स्टोरी अबाउट लव वर्सेस डेस्टिनी कब नया और दूसरा रिलीज डेट हमें मिलता है। और आप भी हैं फिल्मों की दीवाने, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड जरूर से बगल वाले बेल आइकन में ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें, क्योंकि जैसे ही इस फिल्मों की नई रिलीज डेट आएगी हम लेकर के आएंगे वीडियो आप सभी के पास सबसे जल्दी एंड सबसे पहले। इस लिस्ट के टॉप 3 पर है दोस्तों शाहिद कपूर की इस साल की दूसरी फिल्म जो कि स्पोर्ट्स या फिर क्रिकेट पर बेस्ड होने वाली थी। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों जर्सी मूवी की। सबसे पहले इस फिल्म को रिलीज कराया जाना था 30 दिसंबर को, लेकिन 83 ने इतना बुरा परफॉर्म किया बॉक्स ऑफिस पर, तो एक तरफ था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का डर और दूसरी तरफ ओमिक्रॉन का डर। एंड इस फिल्म के मेकर्स ने एट द एंड ऑफ मोमेंट इन्होंने फैसला किया कि इस मूवी को भी पोस्टपोन कर दिया जाए। एंड ये फिल्म भी दोस्तों पोस्टपोन हो चुकी है एंड देखते हैं अब ये हमें जर्सी मूवी कब देखने को मिलने वाली है। चौथी दोस्तों अक्षय कुमार की इस साल की बड़ी फिल्म होने वाली थी बेल बॉटम। इतनी बुरी तरीके से बॉक्स ऑफिस पर पिटी कि यहाँ पे अक्षय कुमार को सिर्फ और सिर्फ दूसरा सहारा पृथ्वीराज चौहान ही लग रहा था। एंड इस मूवी की भी रिलीज डेट को फाइनलाइज कर दिया गया था, 21 जनवरी को रिलीज होने वाली थी ये फिल्म। एंड मूवी भी काफी ढांसू थी एंड बहुत सारे ऑडियंस इंतजार कर रहे थे इस फिल्म को देखने के लिए, लेकिन दोस्तों नहले पे दहला देते हुए भाई किस्मत खराब कह लो या फिर कुछ और, इस फिल्म को भी पोस्टपोन करवा दिया गया है। यानी कि टॉप बड़ी बड़ी फिल्में पोस्टपोन हो चुकी है। दोस्तों टॉप 5 पर है यहाँ पे आलिया भट्ट की गंगूबाई। हालांकि आलिया की ये दो फिल्म होने वाली थी, पहली थी RRR एंड दूसरी थी गंगूबाई। एंड इस फिल्म को भी जनवरी के महीने में ही रिलीज करवाया जाने वाला था, पर भाई अब ये भी गया, टाटा गुड बाय। दोस्तों इस लिस्ट की टॉप 6 पर है भाई हमारे धाकड़ बॉडी बिल्डर जॉन अब्राहम की अटैक। इस फिल्म को भी बहुत पहले आ जाना चाहिए था। एंड दोस्तों ये फिल्म जनवरी 28 तारीख को रिलीज होने वाली थी एंड कल ही इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने फैसला किया कि COVID-19 के केसेस को देखते हुए खासकर ओमिक्रॉन वेरिएंट के वजह से अटैक मूवी को भी पोस्टपोन किया जाता है। दोस्तों टॉप 7 पर है बहुत बड़ी मूवी खासकर साउथ के लिए अजित कुमार की वली माई, जो की रिलीज होने वाली थी 13 जनवरी को एंड ये फिल्म भी पोस्टपोन हो चुकी है। यानी कि बॉलीवुड हो साउथ हो सब तरफ थिएटर शटडाउन हो चुके हैं एंड दूर दूर तक किसी को कुछ नहीं पता कि ये फिल्म दोबारा कब हमें देखने को मिलेगी। एंड मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं देने वाला, ना ही कोई रिलीज डेट भी, जब तक कि कोई कंफर्म रिलीज डेट ना आ जाए। एंड आप जानना चाहते हैं इन सभी फिल्मों के रिलीज डेट को, तो बेफिक्र रहिए, लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन में ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। जैसे ही इस फिल्मों की रिलीज डेट आती है हम वीडियोस लेकर के हो जाएंगे हाजिर।